नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश वासी, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो हमको लग रहा है कि आज जो है मानसून वो केरल पहुंच जाना चाहिए। और हालांकि देखिए वीडियो शाम को अपलोड हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि मानसून इस समय पहुंच भी गया होगा, लेकिन देखते हैं क्या ही मौसम विभाग करते हैं और क्या ही उनका अपडेट आता है। हमको तो लग रहा है क्योंकि जो ऑन गोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन होता है OLR वो भी कंप्लीट हो चुका है। 600 एक्स्ट्रा पास्कल पर जो हवा गिरफ्तार होती है वो भी लगभग कंप्लीट है। 22 भी कंप्लीट है, यानी कि लगभग स्टेज कंप्लीट है। क्लाउड कवर भी अच्छा है, तो देखते हैं कि मानसून में केरल में दस्तक देता है या नहीं देता है। क्योंकि वैसे अगर नहीं देता है फिर भी 2 दिन के अंदर मानसून केरला पहुँच ही जाएगा, एक संभावना काफ़ी प्रबल है। तो वो इसके लिए कोई वो नहीं है, हो सकता है पूरी संभावना रहेगी बारिश के हिसाब से, बारिश के लिहाज से कि मानसून जो है केरल जल्द ही दस्तक देगा। और सब लोग बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे हैं कि मानसून जो है जल्द ही केरल पहुँचे और केरल के बाद धीरे धीरे पूरे भारत में पहुँचे, जिस वजह से कई इलाकों में अच्छी खासी रेनफॉल हो, अच्छी खासी बरसात हो और लोगों को राहत मिल सके। तो इसकी संभावना प्रबल दिखाई पड़ रही है। तो अगर बात करेंगे इसके हिसाब से तो देखेंगे कई इलाकों में काफ़ी जबरदस्त रेनफॉल की संभावना रहेगी। तो चलेंगे 29 के आसपास या 30 के आसपास देखेंगे तो जो हवाओं का पैटर्न है वो देखिए कुछ तरह से जो है, किस तरह से हवाएँ जो चल रही हैं, ये देखिए कहीं कहीं पर पश्चिमी हवाएं हैं तो कहीं कहीं पर जो है वो ईस्टर्ली हवाएं जो है वो यहाँ से जो घूम करके आ रही हैं, इस तरह से देख पाएंगे। ये जो है ये वर्षा के लिहाज से काफ़ी बढ़िया है। और 30 के साथ देखेंगे तो ये लगभग देखिए जो मानसूनी हवाएं हैं काफ़ी प्रभावी हैं पश्चिमी घाट्स पर, लेकिन पूर्वी हवाएँ जो पूर्वी सिरा है क्योंकि अभी कोई सिस्टम नहीं है तो कुछ कमज़ोर सा प्रतीत हो रहा है। और 31 के साथ चलेंगे तो लगभग देखिए सब लगभग वही हाल है जैसा कि हमने पहले बताया कि पूर्वी सिरा जो है वो डिप कर रहा है, यानी कमजोर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए जून के फोरकास्ट जो आया है, जून का मानसून का जो फोरकास्ट आया है उसमें कमी नज़र आ रहा है। और कमी क्यों नज़र आ रहा है, बस इसलिए नज़र आ रहा है कि मानसून की जो रफ्तार है वो काफ़ी स्लो रहेगी। देखिए काफ़ी स्लो यहाँ पर जो है मानसून की रफ्तार दिखाई पड़ रही है। 2 तरीके आस पास चलेंगे, 3 तरीके आस पास चलेंगे, 4 को चलेंगे, 5 या 6 या 7 को चलेंगे, फिर भी देखेंगे मानसून की जो रफ्तार है वो काफ़ी कमज़ोर दिखाई पड़ रही है, यानी कि ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो हालांकि पश्चिमी हवाएं अब तो शुरू हो चुकी हैं, कोई बात नहीं है, मानसूनी हवाएं यहाँ पर लगातार देखिए यहाँ पर जो है आनी शुरू हो चुकी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए इस तरह से जो मानसूनी हवाएं किस तरह से जो है आ रही हैं, अभी लानीना जो स्थिति हो जाएगी ये ट्रेड विंड्स हो जाएंगी, तब जाकर के यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छा जो है अच्छी खासी वर्षा की संभावना रहेगी, जो कि अच्छा रहेगा। देखिए मानसून पश्चिमी घाट्स पर हमको लग रहा है कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और आज इसके केरल पहुँचने की संभावना लगभग 100% है। हालाँकि अब तो देखते हैं क्योंकि हो सकता है कि हमारे अनुमान में कोई त्रुटि हो, क्योंकि अभी तो हम लोग को लग रहा है कि मानसून केरला पहुंच जाएगा। देखिए क्योंकि देखिए ये जो यमन के आसपास से जो केरल का जो लाइन है वो कुछ इस तरह से दिख रहे हैं, मानसून की लाइन जो आ सकती है, यानी कि अरेबियन सी में मानसून तेज़ी से आगे बढ़ा है और केरल में भी ये पुरुत्राजो में भी ये कवर कर चुका है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन देखते हैं कि कितना ज़्यादा ये प्रभावी होता है मेरा अनुमान। वैसे तो देखिए बदलाव दुनिया का नियम है तो बदलाव हो सकते हैं, लेकिन देखिए क्लाउड कवर देखिए वो अरेबियन सी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि जैसे कि हमने बताया था कि जैसे ही तूफान हटेगा वैसे ही यहाँ पर जो हवाएं छूटेंगी उसके बाद देखेंगे अरेबियन सी से लेकर के बंगाल खाड़ी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम दिखाई पड़ेंगे। लेकिन देखिए अरब सागर में हवाओं की रफ्तार तेज़ है तो बादल काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन देखिए बंगाल खाड़ी में यहाँ पर हवाओं की रफ्तार कमज़ोर है तो बादल देखिए काफ़ी कमज़ोर दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जो मानसून थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आ रहा है। वैसे हमने आपको बताया था कि अब जैसे ये सभी एनर्जी को खींच लेगा ये सिस्टम तो पूर्वोत्तर पूर्वी क्षेत्रों के जो हवाएं मानसूनी की, यानी जो मानसून की हवाएं हैं वो कमज़ोर पड़ जाएंगी, यानी कि अपना अस्तित्व तो खोने लगेंगी। तो वैसे ही लग रहा है फिर जब एक बार फिर जब कोई सिस्टम बनेगा यहाँ पर वो जब जोर पकड़ेगा तभी जाकर के मानसून की जो है आगे एंट्री संभव है। वैसे अभी फ़िलहाल आगे एंट्री संभव नहीं है, मानसून केरल तो पहुँच जाएगा लेकिन उसकी जो कहते हैं कछुए की चाल से आगे बढ़ सकता है, इसकी संभावना दिखाई पड़ रही है। चलिए GFS मॉडल्स की बात करते हैं, देखेंगे ये कल का मौसम था तो कल देखेंगे पूरे भारत में मौसम शुष्क था और वही देखने को मिला, पूरे भारत में जो मौसम जो है वो शुष्क बना हुआ था। और ये देखेंगे जो पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है यहाँ पर देखेंगे तो बारिश जो है फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है, यहाँ पर जो बरसात है वो कोई खास यहाँ पर बारिश नहीं है और यहाँ पर कोई उतना ज़्यादा रेनफॉल देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं देखेंगे जो महाराष्ट्र के साथ जो केरला का इलाका है, कर्नाटक का इलाका है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो बरसात है वो हल्की से मध्यम बारिश दिखाई गई थी। लेकिन देखिए आज के जो मौसम था तो जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, लेह लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल में देखेंगे तो यहाँ पर भी जो वर्षा है वो हल्की से मध्यम रहेगी आज। और आज जो है उत्तरी पूर्वी बिहार में वर्षा की संभावना थी और पूर्वोत्तर जो मान लीजिए बारिश चली रही है उस सिस्टम के चलते, उस डिप्रेशन के चलते जो इस समय वेल मार्ग लो प्रेशर के लेकर के लो प्रेशर के एरिया की कैटेगरी में वहाँ पर बना हुआ है। तो केरला में भी देखेंगे वर्षा है, कर्नाटक में भी देखेंगे वर्षा है, यानी कि यहाँ पर जो रेनफॉल है
काफ़ी बढ़िया है। बाकी जो पूरा भारत है देखिए लगभग शुष्क और साफ क्लियर बना हुआ है। देखेंगे उसके अगले दिन तो जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, गिलगित-बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में कुछ हल्की वर्षा की संभावना है। वहीं देखेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी कुछ हल्की वर्षा की संभावना दिख रही है। आज जब ये मॉडल अपडेट होगा तो पता लगेगा कि कितना ज़्यादा इसमें प्रभाव यानी कितना ये सही देखने को मिल रहा है। देखेंगे पूर्वोत्तर राज्यों में तो यहाँ पर भी देखिए असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करेंगे तो यहाँ पर भी इसी तरह का वर्षा देखने को मिल सकता है। बाकी तटीय इलाकों की बात करेंगे तो जो मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु पुडुचेरी में देखेंगे तो यहाँ पर जो वर्षा है वो जारी रहेगी और कई इलाकों में अच्छी वर्षा सकती है। उसके बाद देखेंगे तो देखिए जैसे कि हमने पहले बताया कि उत्तर प्रदेश से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में कुछ वर्षा गतिविधियाँ बढ़ती नजर आ रही हैं। बिहार में वर्षा की गतिविधियाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही हैं, वो तो आज के मॉडल सबडेट में पता लग जाएगा। और पोत्रा जो में देखेंगे काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेदर्स की संभावना दिखाई पड़ रही है। बाकी जो तटीय इलाके हैं यहाँ पर भी अच्छी खासी रेनफॉल देखने को मिलेगा और उड़ीसा में भी देखेंगे तो अच्छी खासी रेनफॉल देखी जा सकती है कल के बाद। तो पांचों दिन देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में वर्षा जो है कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर राजस्थान के क्षेत्र में भी वर्षा जो है बढ़ रही है, यानी कि पूरे क्षेत्रों में देखेंगे वर्षा एक बार फिर से पूर्वीय हवा की वजह से बढ़ रही है, जो कि काफ़ी अच्छी खबर है। गर्मी से बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी, हालांकि उमस जरूर परेशान कर सकती है लेकिन गर्मी से आप लोग को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। और लेकिन ये साउथ इंडिया में देखेंगे तो यहाँ पर जो वर्षा है वो कई इलाकों में बढ़ेगी, जिसकी वजह से मानसून और भी आगे बढ़ सकता है, इसकी प्रबल संभावनाएँ दिखाई पड़ रही हैं। उसके देखेंगे आगे तो देखेंगे अभी भी वही लगभग सेम कंडीशन है। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भाग और बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूर्वोत्तर राज्य यहाँ पर देखेंगे पूरी तरह से मौसम जो है उस करेगा मतलब हल्का और मध्यम बारिश वाला होगा। हालांकि पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश ज़्यादा होगी और यहाँ पर महाराष्ट्र तक वर्षा जो है पहुँच जाएगी। हमको लग रहा है मानसून भी महाराष्ट्र तक इस समय पहुँच सकता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। देखेंगे तीन तरीके आसपास तो बारिश धीरे धीरे कम होती दिखाई पड़ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा काफ़ी स्ट्रांग रहेगा और बंगाल खाड़ी में भी जो सिस्टम है वो स्ट्रांग रहेगा सर्कुलेशन के रूप में, और ये महाराष्ट्र के क्षेत्रों में बाकी क्षेत्रों में भी देखेंगे तो इस तरह का जो मौसम बना रहेगा। देखेंगे आठवें दिन तो लगभग देखिए मध्य भाग तक जो है महाराष्ट्र की वर्षा पहुँच चुकी है, लेकिन देखेंगे तो पूरा जो ये वर्षा होगी लेकिन देखिए पूरी तरह से खाली रहेंगे। यहाँ पर जो हवाएँ वो पश्चिमी दिशा से या पूर्वी हवाएँ चलती रहेंगी, लेकिन यहाँ पर रेनफॉल देखने को नहीं मिलेगी, इसकी संभावना है। देखेंगे या नौवें दिन तो देखेंगे तो तराई के बेल्ट बिहार में वर्षा होगी, पूर्वोत्तर में वर्षा होगी और बंगाल खाड़ी में कुछ लगता है सिस्टम जैसे हलचल मच रहा है और मानसून की हवाएं देखिए गुजरात तक या महाराष्ट्र तक पहुंच सकती हैं। इस तरह से जो है मानसून की जो लाइन है वो देखने को मिल सकती है। अभी तो ये समय है, ये हम कह नहीं सकते कि अभी 5 तारीख को इतना जल्दी आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन उम्मीद है कि कुछ ना कुछ जरूर से ये आगे बढ़ेगा, कुछ ना कुछ जरूर से वर्षा दे जाएगा। बात करते हैं लास्ट 10 दिन 10वें दिन तो एक्सट्रीम तराई बेल्ट में बिहार में वर्षा होगी, पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा होगी और ये मध्य से लेकर के साउथ इंडिया तक भी वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है। यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं तो मानसून जो है वो जल्द ही आगे बढ़ने की संभावना के रूप में नहीं है, क्योंकि भारी वर्षा कहीं पर नज़र नहीं आ रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में आज इतना ही, जो भी होगा हम आपको आगे अपडेट कर देंगे। धन्यवाद।